हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशनविला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से आएगी, यहाँ पे ये इनकी चोली आ जाएगी और ये हम चोली बांधने के बाद जो घेर है वो चोली को पहले सेट कर लेंगे, फिर हम घेर को सेट करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से हमें सेट कर लेना है। दोनों साइड की हम डोरी एक्सचेंज कर लेते हैं ये ऐसे करके, और अपने घेर के अंदर हम बांधेंगे। ये देखिए, मैंने इधर से एक्सचेंज कर लिया है, अब इधर की भी डोरी पकड़ लूँगी। और देखिए, दोनों साइड की हम डोरी पकड़ के यहाँ अंदर से बांध लेंगे। तो अंदर से बांधने पे ये हमारा हाइट भी हो जाएगा और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से हम चोली को हल्का सा अंदर की साइड से खींच के और सेट कर देंगे, जिससे ये देख के और भी सुंदर लगेगा। 4 नंबर के कान्हा को मैंने पहनाई है ड्रेस, आप सेम ड्रेस 3 नंबर को भी पहना पाएंगे। ये इधर से हम इसे सेट कर लेते हैं। आप देखिए, एकदम डिफरेंट स्टाइल की मैंने ड्रेस आपको बनाना बताया हुआ है, तो आसानी से बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। कुछ इस तरह का इसका लुक आता है, बहुत खूबसूरत लगती है। और एकदम सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से हमने इसे बना के रेडी कर दिया है। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक लिया है। अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊं तो ये जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच लिया है और लंबाई मैंने 45 इंच का ये पीस लिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसे हम पहले इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे हमें ऐसे करके प्लेट बनानी है। पूरा हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है, हल्का हल्का सा ये देखिए इस तरह से चढ़ा रहेगा एक दूसरे के ऊपर। तो चलिए, मैं यहाँ पर इस तरह से इसे स्टिच करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, यहाँ से हम लगभग 1/2 इंच के करीब में छोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। तो आपको थोड़ी सी प्लेट बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने सिलाई लगाई, लास्ट प्लेट जो ही स्टिच हुई सुई हमारी अंदर गई। हम फिर इसे पीछे से उठाएंगे और यहाँ पे फिर से हम 2-3 प्लेट अपनी बना लेंगे ये इस तरह से। ये देखें, बहुत ईजी है गाइस, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। बनाने के बाद हम अपनी ऐसे 4 उंगली रखेंगे और इस तरह से करके इस पर सिलाई लगा लें। ये देखें, इजीली लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, जो ही लास्ट प्लेट स्टिच हुई फिर से हम अपनी प्लेट बनाएंगे। चलिए, मैं इसी तरह से यहाँ पे प्लेट बनाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 45 इंच लंबाई का भी एक पीस लगाया। अब हम अपना दूसरा पीस लगाएंगे। चौड़ाई हमारी सेम उतनी ही है, 5.5 इंच। दूसरा पीस कैसे अटैच करते हैं, इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें रखना है और रखने के बाद ऐसे करके हम इसे सिलेंगे। हल्का सा गैप देके जैसे हम प्लेट बना रहे थे, बस वैसे हमें प्लेट बनाते और सिलते चले आना है। अब देखिए, एक बार ज्वाइंट हो गया तो जैसे अभी तक हम स्टिच कर रहे थे सेम वैसे ही इसे हमें सिल लेना है। ये देखें इस तरह से। तो चलिए, मैं अपने इस वाले फैब्रिक से भी पूरी प्लेट बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, नीचे की साइड से हमने इसे सिल दिया, अब हम इसे ऊपर से भी सिलेंगे। तो जो हमारी प्लेट बनती हुई आ रही है बस उसे ही हमें सेट करना है। आप चाहें तो इसे इस तरह से ऐसे पलट सकते हैं। जब इधर से आप पलट लेंगे तो आप जैसे प्लेट बनाते हैं उसी तरह से इसे सिल पाएंगे। ये देखें इस तरह से, जैसे प्लेट बनती हुई आ रही है हमारी नीचे से, बस उसी प्लेट को हम ऐसे बराबर करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चलिए, सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का हल्का जो भी आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये वाली साइड हमारी थोड़ी सी पतली है, हल्का सा अंतर है, और ये वाली देखिए थोड़ी सी चौड़ी है। जो हमारी थोड़ी सी चौड़ी है उसे हम नीचे की साइड रखेंगे और जो थोड़ी पतली है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह से यहीं पर मुड़ के इसी में हमारी सेकेंड लेयर भी बनेगी,
ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा यहीं पे, ये ऐसे। बहुत इजी तरीका मैं आपको ड्रेस बनाने का बता रही हूँ, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ से आप इसे, आप इसको मोड़ना चाहते हो वहीं पे आपको देखिए इस तरह से एक मार्क कर लीजिए चौक से, ये ऐसे करके इस तरह से, ये ऐसे एकदम सीधा सा मार्क कर लेना है। और इसके पहले हम क्या करेंगे, इस पर अपनी लेस अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये लेस ली हुई है, इसे हम अटैच करेंगे। तो एक बार हमें यहाँ पे रख के सिलना है लेस को, यहाँ से कट कर लेती हूँ, इतनी लंबी लेस आ जाएगी। और दोबारा हम इस पे पीछे की साइड से यहाँ से सिलेंगे लेस को। तो इसकी भी लंबाई हम कट कर लेते हैं, ये देखें। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं डबल लेयर की ड्रेस बनाना बता रही हूँ आज, एकदम सिंपल है, आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखें कट कर लेती हूँ इधर से भी, फिर आपको दिखा। ये देखिए हमने लेस अटैच कर ली है इधर भी और इस साइड भी। अब हमने ये जो बीच में मार्क लगाया है उस पे से हम सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान से देखिए कैसे सिलाई लगानी है, ये हमें कच्ची सिलाई लगानी है, तो इसे मशीन की सिलाई को लंबा रख के लगाइएगा। ये देखिए यहाँ पे आप सिलाई को लॉक भी नहीं करिएगा, इस तरह से सुई हमारी अंदर गई, पीछे से उठाएंगे और देखिए इस तरह से हम इसे आगे की तरफ ऐसे धकेलेंगे, ऐसे करके। ये देखिए आगे मैंने धकेल दिया तो शिकन आ गई है, ये हमने सिलाई लगाई, फिर हमारी सुई अंदर गई, फिर हम इस तरह से इसे आगे की साइड में धकेलेंगे, फिर देखिए इस तरह से सिल देंगे। ऐसे ही करके हमें इसे पूरा स्टिच करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या कर। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है, अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए अब इजीली पलट जाएगा आपका, मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया टाके को, खूब बड़े बड़े से टाके लग गए हैं। अब देखिए इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के पहले हमें क्या करना है, ये मैंने डोरी ली हुई है, ये देखें डोरी को कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इसके बीच में बस ऐसे आपको डोरी डालनी है, और डालने के बाद यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ पे सिलाई को लॉक करिए और सिल दीजिए, और सिलने के बाद इस पर भी आप अपनी लेस अटैच कर लीजिएगा। चलिए सिल देती हूँ, यहाँ पे डोरी पे सिलाई मत लगाइएगा। ये देखिए हमारी डोरी यहाँ पे अटैच हो गई है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे निकाल लेंगे सिलाई को। देखिए मैंने काफ़ी लंबी लंबी लगाई थी तो मेरी खुल गई आसानी से। अब हमें क्या करना है, चोली बना लेनी है, और उसके बाद हम ये यहाँ पे लेस अटैच करेंगे जिससे हम यहाँ पे अपनी चोली भी ज्वाइंट कर पाए। अब देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबा फैब्रिक लिया है, क्योंकि हम इसमें से आगे की भी निकालेंगे डिज़ाइन अपनी। तो देखिए 10 इंच लंबाई है, मीन्स 20 इंच है इसकी लंबाई। हमें क्या करना है, इसे खोलना है, और चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने 5.5 इंच रखी हुई है। हम इस तरह से एक बार इधर से मोड़ेंगे, एक बार इधर से मोड़ेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर से रख के सिल देना है। यहाँ पर सिलते वक्त आप डायरेक्ट अपनी लेस लगा सकते हैं, और चाहें तो बाद में भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तुरंत ही अपनी ये लेस जो है वो लगा दूँगी, ये देखें इस तरह से। तो हमें डबल सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए सिल देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे 20 इंच लंबाई का लिया था, बट मैंने इसे छोटा कर लिया, थोड़ी दूर मैंने लेस नहीं लगाई है, 15.5 इंच हमने इसकी लंबाई रख ली है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें इस तरह से इसे ऐसे शेप देना है, ये ऐसे करके, ये देखिए ये इस तरह से, ये हमने ऐसे शेप दिया है। अब यहाँ पे हम इतनी दूर अपनी लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से इधर से ही सिलाई लगा के अपनी लेस अटैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतनी ही दूर हमें करना है, और यहीं से ऐसे अपनी सिलाई को रिटर्न लेके चले जाना। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे रख के सिल देना है इसे, किसी भी एक साइड, इधर सिल सकते हैं या इधर, किसी भी एक साइड हम इस तरह से इसे रख के सिलेंगे, और अपनी लेस भी हम अटैच कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए आधा ये आ रहा है इसके ऊपर, आधा मैंने बाहर निकाल दिया है।
तो यहाँ से हम रख के सिलते हैं, और जो हमने यहाँ सिलाई लगाई हुई है इस पे हम अपनी लेस भी अटैच करते चलते हैं। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ, इतना काम करने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा हो गया है, मैंने सिल दिया है। सिलने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक बार इसे सुई धाई की हेल्प से भी ज्वाइंट कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी मोटा हो गया है ये, तो एक बार हम इसे सुई धागे से भी सिल देंगे तो ये हमारा सिक्योर हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए मैंने सिल दिया, सिलने के बाद नॉट लगा के कट कर देंगे। बस हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। अब चलिए मैं इसे आपको पहना के दिखा देती हूँ कान्हा जी को। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस हमने बनाई। ये देखिए जो ड्रेस है मैंने 4 नंबर के कान्हा को पहना दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको पूरा आगे से पीछे तक दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इसका, और ये फ्रंट से ये हमारा डिजाइन भी आ रहा है। तो 4 नंबर को बहुत अच्छे से आ गई है, 3 नंबर को भी ये बहुत आसानी से आ जाएगी। तो 3 और 4 दो साइज को आप इसे पहना पाएंगे। आप चाहें तो इसे पीछे से इस तरह से उठा भी सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।